गुना जिले के चाचौड़ा ब्लॉक के अंतर्गत बरखेड़ा खुद्र गांव में सरकारी स्कूल से मिलने वाले बच्चों का राशन समूह द्वारा गोलमाल करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत कलेक्टर के पास भी पहुंची है, जिससे राशन संचालक की ओर से स्वयं सहायता समूह संचालित करने वाले संचालकों की मनमानी और राशन की गड़बड़ी की शिकायत की। इसके पहले राशन दुकान संचालक इस गड़बड़ी की शिकायत शिक्षा विभाग के जिम्मेदार और चाचौड़ा SDM से भी कर चुका है। बता दें कि गुना के चाचौड़ा ब्लॉक में सरकारी स्कूल में बांटा जाने वाला मध्यान्ह भोजन व खाद्यान्न वितरण में धांधली के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं होने से स्कूल में संचालित समूह के हौसले बुलंद हैं। ताज़ा मामला चाचौड़ा ब्लॉक के बरखेड़ा खुद्र गांव से आया है, जहां सरकारी स्कूल में स्कूली बच्चों को बांटे जाने वाले राशन में गड़बड़ी और धांधली की शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची है। इस मामले में शिकायत करने वाले राशन दुकान से जुड़े चैन सिंह ने बताया कि बरखेड़ा खुद्र के स्कूलों में दो सहायता समूह बच्चों को खाद्यान्न वितरण करने के हैं, जिनमें से एक जिंद महाराज समूह को उन्होंने फर्जी बताते हुए कटघरे में खड़ा किया, दूसरा गिरिराज स्व सहायता समूह भी खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप लगाए। चैन सिंह ने समूह संचालक पर आरोप लगाया है कि वह बच्चों को दिए जाने वाला राशन, जो कि सरकार की सांझा चूल्हा योजना के तहत वितरित किया जा रहा है, इसमें इन समूह द्वारा धांधली की गई, जिसमें समूह संचालक द्वारा मनमानी कर राशन दुकान से जानबूझकर राशन लेने में देरी की जाती है। जब राशन लेप्स हो जाते हैं तो उसके बाद राशन संचालक पर दबाव बनाकर 2 माह का राशन एक साथ लेकर बाजार में बेच दिया जाता है। इस मामले में राशन दुकान से जुड़े चैन सिंह और राशन संचालक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और चाचौड़ा SDM से भी शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद अब तक इन पर कार्यवाही नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है। चैन सिंह जी बताएं क्या है ये मामला। सर ये हमारे खाद्यान्न डबल ओटा ले गए हैं, बलकरा स्कूल वाले हैं, कांदेकड़ी वाले हैं, और गिरिराज सहायता समूह जिंद महाराज और कांदेकड़ी समूह वाले, कांदेकड़ी वाले समय पर उठाने और साया चूल्हा एकदम समय पर उठाने नहीं आता है, जनवरी से अभी तक नहीं ले गए उठा कर, बाद में फरी शिकायत करेंगे। मैं कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे दिया है, SDM साहब को दे दिया है, DRC को दे दिया मैंने सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की गड़बड़ी? ये मत पत्र आते डबल जारी करके डबल परमिट जारी कर दिए, उससे डबल एक बार सेल्समैन से ले गए, एक बार सहायक सेल्समैन से ले गए। आपने उनको बताया नहीं? बता दिया उनको। फिर क्या बोलते हैं? कदल निराकरण आपका करवा देंगे, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कुल कितने का गड़बड़ी आपके? 14 क्विंटल 96 किलो गेहूँ है, 2 क्विंटल 84 किलो चावल है सर। डबल परमिट उसको ओरिजिनल सी लग रही है और एक ही नंबर है दोनों परमिट के। मेरा नाम चैन सिंह जी बताएं ये क्या मामला है? ये हमारे यहाँ से 2 बार गेहूँ उठा कर ले गए हैं सोसाता समूह, गिरिराज सोसाता समूह, जिंद महाराज सोसाता समूह, इस पर बहुत गड़बड़ी चल रही है। किस तरह की गड़बड़ी सामने आई? डबल से गेहूँ उठा कर ले गए हैं, राशन मैं डीलर हूँ, राशन बांटने वाले हैं। कैसे ले जाते हैं वो, कैसे प्रमाणित हुआ जी? ये डबल से परमिट जारी करे DRC से, धर्मन मीना और नीरित मीना। आपने कहीं शिकायत की क्या? DRC में 2 बार घूम गया हूँ, आपको निराकरण करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं कराया। और कहाँ कहाँ शिकायत किया? SDM साहब के यहाँ भी गया था, आवेदन दिया मैंने, तो उन्होंने हमारे साहब को लिख दिया था, उन्होंने कुछ नहीं किया।